हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे तीन नंबर दिखाई दे रहे हैं। पहला नंबर आपको 666 दिखाई दे रहा है, दूसरा नंबर आपको 777 दिखाई दे रहा है, और जो तीसरा नंबर है वो है 1111। कुछ बहुत ही खास, बहुत ही पावरफुल एंजल्स नंबर है जो अलग अलग बातों को बताते हैं, लेकिन आज हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आपसे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, आपसे यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। अगर आपको विश्वास होता है इन सब बातों पे तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है, सामान्य रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी, सबसे सारी बातें भी कनेक्ट नहीं होंगी, कुछ ही बातें आपसे कनेक्ट हो सकती हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी है कि ये एक टाइमलेस वीडियो है, आप जब भी देखेंगे आपके लाइफ से कनेक्ट जरूर होगी चीजें। अगर आपको लगता है कि ये आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, और चाहे तो आपके ऊपर है ना, आप इसको एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो। ठीक है, सब कुछ आप देख लीजिएगा। अगर आपसे कनेक्ट है, आपको लगता है कि आपके लिए है तो आपके लिए है, अगर नहीं लगता आपको आपके लिए है तो आपके लिए नहीं है। टॉपिक आपने देख ही लिया है, जान लिया है कि आपको इन तीनों नंबर में से किसी एक नंबर को चुन लेना है। जो नंबर आपको बहुत ज्यादा आजकल दिखाई दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है तो आप चुन सकते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन फिर भी आपको इन तीनों नंबर में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा, तो आप चुन लीजिए। टॉपिक आपने देख लिया है कि एंजल्स आप यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहती है आपकी लाइफ के लिए, जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम गाइडेंस। गाइडेंस के लिए ये आज का वीडियो है, आपसे यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। और सबसे पहले हम देखेंगे 666। जिन लोगों ने भी 666 चुना है आपके लिए, देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या संदेश है आपके लिए। आपके लिए जो का मैसेज आ रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा मुझे लग रहा है आपसे कनेक्ट होंगे। अगर सिचुएशन आपके जीवन की ऐसी है तो आप बहुत ही उलझे हुए हैं, बहुत ही फंसे हुए हैं, यूनिवर्स आपको उस सब चीजों से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। साथ आपको भी देना है यूनिवर्स का, थोड़ी कोशिश आपको भी करनी है। वक्त तो कोशिश कर ही रहा है कि आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकाला जाए, थोड़ी सी समझदारी आपको भी दिखानी है। ठीक है, आपको हौसला नहीं खोना, कोई भी बात है, कोई भी परेशानी है, कोई भी चिंता है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान किए हुए है, आप नहीं समझ रहे हैं आपके लिए क्या सही है, कौन सा रास्ता सही होगा, वो सब कुछ मतलब आपको आपके सही रास्ते पे भी लेके आएगी यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, और यहाँ पे यस का भी आंसर है। तो जो भी कुछ आप चाह रहे हैं जीवन में वो सब कुछ आपको मिलेगा, बस आपको साथ देने की जरूरत है अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पूरी कोशिश हो रही है कि आपको आपकी जो भी स्थिति है, जो आपको बहुत परेशान कर रही है, उन मुश्किलों से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। थोड़ा बहुत आपका भी साथ चाहिए, यानी अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब चाहते हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस में आपको और अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आने चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सब इशारे होते हैं यूनिवर्स के कि आपको किस तरीके से बाहर निकाला जाए। चीजें बताई जाती हैं, किसी का माध्यम बनाया जाता है। यस का आंसर है, यानी आप जो भी कुछ चाहते हैं जीवन से वो बिल्कुल आपको मिलेगा, बहुत जल्दी आपकी समस्या भी खत्म हो जाएगी। पूरी कोशिश हो रही है कि आपकी समस्याओं को खत्म किया जाए। 666 जिन लोगों ने भी चुना है, आइए कुछ संदेश हम देखते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो मैंने अपने हाथों से खुद बनाए हैं। इससे बहुत ही अच्छे संदेश लिखे हुए हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है। जो पहला संदेश है, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। ठीक है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, इस बात पे।
खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुन भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। ठीक है, ये संदेश को ध्यान में रखिएगा। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स के जरिए कि आप इस समय बहुत परेशान हैं और ईश्वर को बहुत याद कर रहे हैं। जिस शक्ति पे भी आपको विश्वास है आप उस शक्ति को बहुत याद कर रहे हैं। तो आपसे ये बताया जा रहा है कि आपसे आपके जो ईश्वर हैं जिनकी आप पूजा करते हैं वो कहीं दूर नहीं है। आप उन्हें कहाँ खोज रहे हैं इधर उधर, वो कहीं नहीं मिलेंगे, वो आपके पास हर पल हैं। तो वो कहीं और कैसे मिल सकते हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। बस आपकी परेशानी है वो वक्त के साथ चली भी जाएगी। आपको कोशिश करते रहना है, बहुत जल्द आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। तो 666 जिन लोगों ने भी चुना था ये आपके लिए है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा संदेश। चलिए अब देख लेते हैं जिन लोगों ने भी 777 चुना है आपके लिए क्या है एंजल्स मैसेज, जो एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं। 777 आइए जल्दी से देखते हैं 777 के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है। आइए 777 आपके लिए देखते हैं। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके लिए हैं जिनका भी मतलब जिन लोगों ने भी चुना है 777 को, बहुत जल्द आपके जीवन में परिवर्तन, एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा, एक नई रोशनी आने वाला है आपके जीवन में। आपने सफर तय शुरू कर दिया है, मतलब आपने कार्य करने आप कर रहे हैं, कोई कार्य तो आप कर रहे हैं जो आपने बहुत जल्दी अभी स्टार्ट किया है। आप अपने कर्म पे ध्यान दे रहे हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, जिस भी चीज में आप सफलता चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, आपने स्टेप लिया है। अब आप बहुत ही अच्छी तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप अभी कुछ छोड़ के, कुछ एकदम से समाप्त करके आप एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नए सवेरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि अभी जो भी पुराना था ना आपका, जो आपको बहुत दुख देता था, जो समस्या थी, जो भी परेशानी थी, जो भी असफलताएं थी, वो सब अब समाप्त हो रही हैं। अब थोड़ा धीरे धीरे आप चीजों से बाहर निकल रहे हैं और बहुत धीरे धीरे करके ही, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप चीजों में आगे बढ़ते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। लंबी छलांग अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अब हर बार आप उसमें सफल हो भी नहीं सकते हैं, जो धीरे धीरे करके सफलता मिलती है ना वही सबसे अच्छी सफलता होती है। तो आप भी रोशनी की तरफ जा रहे हैं और एक नया सवेरा आपके जीवन में आने वाला है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो भी कार्य कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। मिरेकल कभी भी हो सकता है, चमत्कार कभी भी हो सकता है। जो चीज आप चाह रहे हैं उसको लेके हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा मैनिफेस्ट करते रहें, कभी भी नेगेटिव आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत भविष्य, बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर डिसाइड किया है। अभी आप चाह रहे हैं उसकी तरफ। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। वाओ, तो बहुत ही अच्छी गाइडेंस यहाँ हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, जो भी कुछ करेंगे, जो भी कुछ आपको प्राप्त करना है वो सब खुद आपको करना है। आपका जीवन है, जैसा लेके जाएंगे वैसे चलेगा। जितना विश्वास आप अपने ऊपर रखेंगे उतना अच्छा होगा। जो भी कुछ समस्या है ईश्वर से पूछिए, एंजल से पूछिए, यूनिवर्स से पूछिए उसका आंसर क्या होगा। यूनिवर्स आपको जरूर आंसर देगी, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से आपको आंसर तक, मतलब जवाब तक पहुंचाया जाएगा कि आपकी समस्या का ये समाधान है। आने वाला समय तो बहुत अच्छा है, जैसा कि आपके कार्ड्स में भी दिख रहा था और अब एंजल्स कार्ड में भी हमें पता चल गया है कि आने वाला समय आपके जीवन का बहुत खूबसूरत है। यानी कभी भी किसी भी पल आपका जीवन चेंज हो सकता है, जो कुछ आप चाह रहे हैं वो चीज आपको मिल सकती है। आइए कुछ कार्ड्स देखते हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कार्ड्स आपको कुछ नहीं तो कम से कम आपको मोटिवेट जरूर करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है। तीन कार्ड हम इसमें से लेते हैं और आपके लिए देखते हैं क्या है।
तीन नहीं, यहाँ आपके लिए एक और आ गया, यानी चार कार्ड्स हैं आपके लिए। खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहते कबीर सुन भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। अभी हमने इसको फिर से पढ़ा है आपके लिए, यानी कार्ड नंबर वन में भी ये कार्ड से सेम मैसेज आया था। अभी तो इरादों का इंतहा बाकी है, मतलब समझ रहे हैं आप कि अभी तो जीवन में, मतलब आपने जो सोचा है ना, थोड़ा बहुत तो टेस्ट लिया जाता है ना कि आप उस काबिल हैं जो चीज आप चाह रहे हैं, उस काबिल आप हैं या नहीं है। यूनिवर्स ये टेस्ट लेती है आपसे, ऐसा नहीं है कि आपको सफलता तक की ऊंचाई तक पहुंचा दिया जाए, आपको सफलता की सबसे ऊंची जो स्तर होता है ना वहां ले जाके बैठा दे यूनिवर्स, और ये भी ना देखे कि आप उस काबिल हैं या नहीं है। तो उसका भी टेस्ट होगा, आपकी इरादों का भी टेस्ट होगा, आप जो चाह रहे हैं ना वो आप उस काबिल हैं या नहीं, इसका भी टेस्ट होगा। ठीक है, तो इससे आपको डरना नहीं है। इससे ये हो सकता है कि कभी कभी आपको लगेगा कि चीजें हो रही हैं अच्छी, फिर अचानक से आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत गलत हो गया। तो ये ऊपर नीचे वाला सिचुएशन जीवन में आएगी, क्योंकि ये आपका टेस्ट चलेगा और उसमें देखा जाएगा कि आप उस काबिल हैं या नहीं है। ये आपकी जिंदगी है, तो ये आपकी जिंदगी है, आप जिस तरफ जिस तरीके से लेके जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो गैरों पे जब चलना है अपने पैरों पर, तो ये आपके लिए है। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके संदेश अच्छे लगे होंगे, मैसेजेस पसंद आए होंगे। अगर आपको विश्वास है तो आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एंटरटेनमेंट के तौर पर देख सकते हैं, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो। ठीक है, आइए अब देखते हैं जिन लोगों ने भी 111 यानी कि 111 यानी कि चार बार वन है। ठीक है, अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो 111। ठीक है, अगर आपने इस एंजल्स नंबर को चुना है, इस पावरफुल नंबर को चुना है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपसे यूनिवर्स आपके लिए क्या आंसर है। वाओ, बहुत ही प्यारा कार्ड आ गया। वाओ, ये भी बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि आइए कार्ड और देखते हैं जिससे हमें कुछ और क्लियर हो जाएगा। आओ, अगर आपने ये वाला नंबर चुना है, आप कुछ चीजें तो ऐसी कर रहे हैं जो शायद आपको भी लगता है कि शायद आप बहुत ज्यादा इसमें शॉर्टकट ले रहे हैं, चलाकियां कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। सफलता आपको मिल जाएगी। बहुत प्यारे कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। आइए हम यहाँ पे गाइडेंस देखते हैं जिससे हमें और चीजें भी क्लियर होंगी। सफलता बहुत जल्दी आपके जीवन में है, यानी कि अभी थोड़ा समय ऐसा चलेगा ना कि आपको लगेगा कि बहुत देर हो रही है, फिर थोड़ा समय ऐसा लगेगा कि आपको कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो आपको अपने सब कुछ जो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद ये सब आप अपनाएंगे भी, लेकिन उसके बाद आपको फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ कट हो गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है गले में, तो इस वजह से ये कट होता है। लेकिन पिछले वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपने कार्ड्स को सेट किया है, मतलब गलत तरीके से, लेकिन मैंने कट किया था, इसलिए किया था क्योंकि मुझे उस समय थोड़ी सी खांसी आ रही थी और मैंने इसलिए वीडियो को कट किया था। अब इसका भी मतलब कुछ लोग गलत समझते हैं, इसीलिए हम स्टार्टिंग में शुरुआत में ये कह देते हैं। देखिए, अगर आपको विश्वास है इन सब चीजों पे तो आप देखिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है यार, कोई भी किसी को प्रेशर नहीं दे रहा है चीजों को देखने के लिए, फॉलो करने के लिए, सब विश्वास का खेल है। और जो संदेश मैं आपको बता रही हूँ ना, आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप उस पर ध्यान देंगे ना तो आप अपने जीवन को बदलेंगे। अगर मैं क्या कर रही हूँ, कार्ड्स को कैसे निकाल रही हूँ, इस पर नहीं ध्यान देना चाहिए। ये आपकी बात, मतलब इस पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी लाइफ में। संदेश अगर आपको अच्छे मिल गए हैं ना, आपको गाइडेंस अच्छी मिल गई है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये बात तो मैंने इसलिए कह दी क्योंकि अभी मैंने फिर से कट किया था, क्योंकि मुझे खांसी आ रही थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट किया, 2 सेकंड का। इसका मतलब कुछ ये नहीं है कि मैं कार्ड्स को चेंज कर रही हूँ और इसलिए मैंने कट किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना ऐसा करती हूँ ना मुझे जरूरत ऐसा करने की, ऐसा करने से मुझे कुछ नहीं यहाँ लाभ होने वाला है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कार्ड आया आपके लिए, थोड़ा सा जैसे कि लग रहा था ना कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं ना साम दाम दंड भेद वाला, जो साम दाम दंड भेद होता है ना उसमें चीजें अच्छी भी होती हैं और चीजें बहुत बुरी भी होती हैं, यानी इंसान हर कोशिश करता है अपनी चीजों को प्राप्त करने की, चाहे उसमें उसको बुराई करनी पड़े, चाहे उसको उसमें बहुत ज्यादा कड़ाई करनी पड़े, चाहे बहुत ज्यादा अच्छाई करनी पड़े, तो सब कुछ इसमें शामिल होता है। इंसान जैसा होता है वैसा वो चीज करता है। आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं,
तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाए कि वो दूसरों को नुकसान दे, दूसरों के लिए वो बुरी बन जाए, तो वो चीज़ वहीं पे रोक देनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो आप उसको बदला लें या फिर उसके साथ भी आप बुरा करें, वो यूनिवर्स पे आप छोड़ दीजिए। कर्मा जो होता है ना वो आने दीजिए, वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। जब कर्म का फल मिलता है ना, जिसको जिसको मिलेगा ना, वो आपकी सजा से भी ज़्यादा होगा। आप जो सजा दूसरों को देंगे ना, उसका जब कर्म उसको पुकारेगा ना, तो वो उससे भी भयानक होगा। ठीक है, तो अपनी तरफ से कभी किसी को सजा देने का ना सोचें। अगर ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है, कोई इंसान ऐसा था जो आपको हर्ट कर दिया, धोखा दे दिया, ऐसा होता है ना कभी कभी, कोई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें बहुत बुरी तरीके से धोखा दे के जाते हैं, फिर हम सोचते हैं अब हम बदला लेंगे उनसे। आप जब बदला लेंगे ना उनसे, तो उनका कर्म कम पड़ जाएगा। मतलब उनका कर्म तो बहुत बुरा था, जब यूनिवर्स उनके कर्म पे आएगी, उसका फल देगी, तो वो जो आप बदला दे रहे ना, उसका भी कई गुना देगी यूनिवर्स। तो उससे बेहतर है कि आप शांत बैठ जाएं और यूनिवर्स को अपना काम करने दें। आपके लाइफ में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है, जो कि कार्ड्स भी बता रहे थे। तो तरक्की होने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो बुरा बनने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, अपना कर्म खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसा कर रहे हैं आप जिसमें आप थोड़ा सा चतुराई कर रहे हैं, चलाकियाँ कर रहे हैं, तो हद से ज़्यादा मत करें उसको, वो बेकार होगा आपके लिए। ठीक है, जाने दें, ठीक है, माफ़ करना सीखें और वो सब यूनिवर्स के हाथ में सौंपें। आप बदला लेने का काम आपका नहीं है। और अगर कुछ आप हासिल करना चाह रहे थे, काफ़ी समय से कुछ ऐसा रिश्ता था टूट चुका है, बस यहाँ पे एक नया डायरेक्शन की बात हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में आपने काफ़ी समय दे दिया, फिर भी उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट हुई है तो चेंज आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसे कार्ड जो आपको मोटिवेट जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से बनाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे संदेश हैं इसमें। देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स निकलते हैं। चलिए और चार मैसेज देखते हैं आप, क्योंकि मुझे लगा ऐसा चार होना चाहिए। हमेशा हंसते रहिए, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। वाह, बहुत ही प्यारा मैसेज है। इसे बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर पल चलना सीखो। ठीक है, अभी तो इरादों का इंतहा बाकी है, तो यहाँ पे टेस्ट की बात हो रही है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ईश्वर हमेशा आपके पास हैं, आपको देख रहे हैं, यहाँ तक कि आप जो सोच रहे हैं ना उस पे भी ईश्वर की नजर है। तो ईश्वर तो कहीं नहीं है, आप ही के पास है वो। उनको यहाँ वहां ढूंढने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप अपने अंदर स्वयं खोजिए तो देखिए आपको ईश्वर मिल जाएंगे, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। सब कुछ तो है, सारी शक्तियाँ तो ईश्वर ने आपको दी हैं, बस आप अनजान हैं। अपनी परेशानियों में इतना खो गए हैं कि आप अपनी शक्तियों को ही भूल गए हैं, तो अपनी शक्तियों को खोजिए। उम्मीद करते हैं आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी, टॉपिक पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।